देखो कंसाइनमेंट वाला जो चैप्टर कर रहे थे और उसमें हमने 7 इलस्ट्रेशन तक हमने कर लिए थे और आज मैं आपको बता रहा हूँ इसका 8वां इलस्ट्रेशन। 8वां जो इलस्ट्रेशन है इसमें एबनॉर्मल लॉस भी है, अनसोल स्ट्रोक भी हमारे को ज्ञात करना है। इसमें क्या है एबनॉर्मल लॉस में कि अगर किसी भी कारण से माल का नुकसान हो जाता है, ऐसा जो नुकसान होता है वो प्रेषक के द्वारा जब माल भेजा जाता है रास्ते में भी हो सकता है या एजेंट के पास जब माल पहुंच जाता है तो उस समय भी नुकसान हो सकता है। तो नुकसान जो है चाहे रास्ते में हो चाहे एजेंट के पास पहुंचने के बाद में हो, उसका जब मूल्यांकन किया जाता है तो एक्सपेंसेस जो होते हैं उनका हमारे को क्या ध्यान रखना पड़ता है। अगर रास्ते में नुकसान हुआ है तो खर्चे केवल प्रेषक के ही शामिल किए जाएंगे, कंसाइनर के खर्चे हैं वो ही केवल इसमें शामिल किए जाएंगे या ऐड किए जाएंगे लागत। लेकिन अगर नुकसान जो है एजेंट के पास पहुंचने के बाद में हुआ है तो फिर उसमें एजेंट के खर्चे भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन अनसोल्ड स्टॉक का जो मूल्यांकन है उसमें दोनों के खर्चों को ही शामिल किया जाता है, प्रेषक के खर्चे भी शामिल किए जाते हैं और एजेंट के खर्चे भी। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है कि हम अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं उसमें भी एजेंट के गोदाम पर पहुंचने तक के खर्चे शामिल करते हैं और एबनॉर्मल लॉस का जब मूल्यांकन किया जाता है उसमें भी एजेंट के गोदाम पर पहुंचने तक के खर्चे शामिल किए जाते हैं। लेकिन अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन कर रहे हैं और अगर रास्ते में नुकसान हो गया तो खर्चों को हमारे को दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले जो खर्चे हैं वो कुल माल की लागत में शामिल किए जाएंगे और बाद में जो एजेंट के खर्चे हैं वो शेष माल की लागत में शामिल किए जाएंगे। अच्छा, ये जो अबनॉर्मल लॉस होता है, असामान्य हानि होती है, इसमें माल कई बार क्या है इस प्रकार से क्षतिग्रस्त होता है कि एजेंट के द्वारा उस माल को कम मूल्य पर सेल कर दिया जाता है। इससे क्या है कि जो कुल जो नुकसान होता है वो कम हो जाता है तो उसको उस माल की लागत में से कम कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा जो है या तो हम इसको कंसाइनमेंट में दिखा सकते हैं या एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में दिखा सकते हैं। तो इसी प्रकार का ये आपके इलस्ट्रेशन है 8वां। इसमें दे रखा है कि बैंगलोर के हितेश ने अजमेर के एजेंट को 1 जनवरी को 30,000 रुपये की लागत का माल प्रेषण पर भेजा। देखो इसमें 30,000 की लागत का माल भेजा है और भाड़े और बीमा के 900 रुपये चुकाए गए। रास्ते में तेज वर्षा के कारण माल भीग गया और 10% माल खराब हो गया। तो 10% माल खराब हो गया लेकिन माल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं है, केवल खराब हो गया है। प्रेषणी ने निस्तारण के और गोदाम के चुकाए और उसको बीमा दावे के 2500 रुपये प्राप्त हुए। उसने शेष माल का 2/3 भाग 35,000 रुपये में बेचा और क्षतिग्रस्त माल के विक्रय से भी 500 रुपये प्राप्त किए। एजेंट को कुल विक्रय पर 8% कमीशन मिलेगा। तो देखो इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट है वो कैसे बनाएंगे, मदे दिखाने का जो है अपना वही तरीका है। सबसे पहले माल जो प्रेषित किया जा रहा है प्रेषक के द्वारा उसको हम दिखा देंगे, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। माल इसमें जो भेजा गया है उसका लागत मूल्य है 30,000 रुपये। इसके बाद में प्रेषक के द्वारा जो खर्चे किए गए हैं उसको हम कैश के नाम से दिखा देंगे, ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्सपेंसेस। इसमें प्रेषक के द्वारा जो खर्चे किए गए हैं वो इसमें दे रखे हैं 900 रुपये भाड़े और बीमा के, ये 900 रुपये हम इसमें दिखा देंगे। इसके बाद में एजेंट के जो खर्चे हैं वो एजेंट के नाम से आते हैं तो कंसाइनिंग एजेंट का नाम आ जाएगा इसमें और ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्सपेंसेस। अब इसमें देखो फसल में जो खर्चे हो रहे हैं इसमें एजेंट के वो दे रखे हैं कि 250 रुपये निस्तारण में और 200 रुपये गोदाम किराए के, तो यार 250 और 200 यानी कि 450 रुपये एजेंट के खर्चे हो रहे हैं, तो टोटल 400 दिखा देंगे। अब माल का जो विक्रय किया जा रहा है उसको हम कहां दिखा देंगे, सीआर साइड में बाय कंसाइनिंग ब्रैकेट में हम लिखेंगे सेल्स।
इसमें जो माल बेचा गया है, देखा है कि 2/3 भाग माल 35,000 रुपए में बेचा है। शेष माल का, शेष माल कौन सा? क्योंकि प्रेषक के द्वारा जो माल भेजा गया था उसमें से 10% जो माल है वो तो रास्ते में नष्ट हो गया। तो रास्ते में जो माल नष्ट हो गया है, जो असामान्य हानि है, उसको भी हम दिखाएंगे। उसको हम इसमें कहाँ दिखाएंगे? OCR साइड में। अबनॉर्मल लॉस हमेशा कंसाइनमेंट के CR साइड में दिखाया जाता है, तो उसको हम दिखा देंगे इसकी CR साइड में, एबनॉर्मल लॉस के नाम से। तो कैसे करेंगे? देखो, प्रेषक के द्वारा जो माल भेजा गया है उसका माल का लागत मूल्य 30,000 है। प्रेषक के जो खर्चे हैं वो इसमें पूरे जोड़ दिए जाएंगे, 900 रुपये। एजेंट के खर्चे इसमें कोई शामिल नहीं होंगे। कारण, क्योंकि नुकसान जो हो गया है रास्ते में हो गया है, इसलिए केवल प्रेषक के खर्चों को ही इंक्लूड किया जाएगा। अब देखो, इसमें माल की जो लागत है, कुल लागत है वो कितनी हो गई? 30,900 रुपये। कुल माल की लागत 30,900 है। माल की इसमें मात्रा है वो नहीं दे रखी, क्वांटिटी नहीं दे रखी है, तो मूल्य के अनुसार ही हमारे को इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। जो नुकसान हुआ है वो दे रखा है कि 10% जो माल है खराब हो गया, तो 30,900 का 10%, तो 30,900 का 10% है वो निकालेंगे, ये हो गया 3,090 रुपये। इसका मतलब है कि एबनॉर्मल जो लॉस हुआ है वो 3,090 रुपये का हुआ है, तो 3,090 रुपये दिखा देंगे। अच्छा, ये टोटल लॉस हुआ है, इसमें एक तरीका और है कि जो नुकसान होता है बीमा कंपनी से हमारे को क्लेम के पैसे प्राप्त हो जाते हैं, और उस क्षतिग्रस्त माल को बेचने से अगर कुछ पैसा मिल जाता है तो हमारा कुल लॉस कम हो जाता है, चाहे तो उसको भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन उन सबको हमारे को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। हमने यहाँ पर टोटल एबनॉर्मल लॉस दिखा है, चाहे तो हम उसको अलग अलग करके दिखा सकते हैं कि टोटल जो लॉस हुआ है वो 3,090 रुपये हुआ है, बीमा कंपनी से जो पैसा प्राप्त हुआ वो उसमें से लेस कर देंगे, और क्षतिग्रस्त माल का जो विक्रय किया है सेल ऑफ डैमेज्ड गुड्स वो भी हम उसमें से लेस कर देंगे, तो आपके नेट एबनॉर्मल लॉस कितना आया वो आ जाएगा। लेकिन तीनों पदों को इसमें दिखाना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिला, क्षतिग्रस्त माल के विक्रय से कितना पैसा मिला, और शेष जो नुकसान बचा हमारा शुद्ध असामान्य हानि कितनी भी वो भी। तो इसलिए हम इसमें न दिखा करके उसको हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में दिखा सकते हैं, या वर्किंग नोट में दिखा देंगे। तो वर्किंग नोट में है वो कैसे दिखाएंगे? टोटल एबनॉर्मल लॉस, टोटल एबनॉर्मल लॉस है वो हुआ है इसमें 3,090 रुपए, ठीक है। अब इसमें इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा प्राप्त हो गया है, नीचे वर्किंग नोट लिख देंगे, वर्किंग नोट, तो इंश्योरेंस क्लेम का जो पैसा है वो हम इसमें से लेस कर देंगे। तो इंश्योरेंस क्लेम का जो पैसा है वो इसमें प्राप्त हो रहा है 2500 रुपए, तो 2500 रुपए हम लेस कर देंगे, ठीक है, ये 590 रुपए आ गए। और इसके बाद में दे रखा है कि क्षतिग्रस्त माल के विक्रय से जो राशि प्राप्त हो रही है वो भी हम दिखा देंगे। तो सेल ऑफ डैमेज्ड गुड्स 500 रुपए, ये भी हम लेस कर देंगे। तो ये आ गया आपके नेट एबनॉर्मल लॉस, शुद्ध असामान्य हानि। तो वर्किंग नोट में हम ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन टोटल नुकसान है इसमें हमारे को सारी वजह दिखानी पड़ेगी, इसलिए हमने किया इसमें टोटल 3,090 ही दिखा दिए, क्योंकि हमारे को इंश्योरेंस क्लेम का पैसा और सेल ऑफ डैमेज गुड्स क्षतिग्रस्त माल के विक्रय से जो पैसा प्राप्त हो वो भी हमारे को दिखाना पड़ेगा, और फिर 90 रुपये बचा वो, यानी कि टोटल अमाउंट तो आपके यही आएगा। इसलिए हमने टोटल जो लॉस है वही हमने दिखा दिया। इसको नीचे केवल वर्किंग नोट में दिखा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये तो अपना आ गया है कि हमने एक्सपेंसिव दिखा दिया, एबनॉर्मल लॉस आ गया और सेल्स आ गया। अब देखो इसके बाद में है आपके कमीशन, एजेंट का जो कमीशन होता है वही हम DR साइड में दिखाएंगे, टू कंसाइन एजेंट का नाम आ जाता है, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे कमीशन। अब एजेंट का जो कमीशन है वो इसमें दे रखा है
8% कुल विक्रय के ऊपर। तो कुल विक्रय जो है आपके कितना आ रहा है 35,000, तो 35,000 का हम 8% निकाल लेंगे, तो 35,000 इंटू 8/100, ठीक है। तो 35,000 का 8% है 2,800 रुपये, तो 2,800 रुपये ये एजेंट का कमीशन आ जाता है, क्योंकि कुल विक्रय के ऊपर कमीशन जो है, तो कुल विक्रय अपना 35,000 है, तो 35,000 का 8% आपके 2,800 रुपये आ गया, ये 2,800 रुपये आपके कमीशन आ जाएगा। अब हमारे को ज्ञात करना है अनसोल्ड स्टॉक। अब अनसोल्ड स्टॉक हमारे को ज्ञात करना है तो वो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अब अनसोल्ड स्टॉक है वो हम ज्ञात करेंगे, अनसोल्ड स्टॉक। अब जो शेष माल है जो बचा था उसका मूल्यांकन देखो कैसे करेंगे। देखो प्रेषक के द्वारा जो माल भेजा गया था उसका मूल्य था 30,000, 900 रुपये प्रेषक के द्वारा खर्चे किए गए थे वो हम इसकी लागत में जोड़ देंगे, तो ये हो गया आपके 30,900 रुपये, ठीक है। अब इसमें दे रखा है कि 30,900 रुपये जो माल है उसका 10% है वो माल खराब हो गया, 10% माल खराब हो गया, तो हमने निकाला था 30,900 का 10% वो कितना आया था 3,090, तो 3,090 की लागत का माल कम हो गया, उसको कम कर दो इसमें से, तो 3,090 रुपये है वो इसमें से हम लेस कर देंगे, तो ये आपके अमाउंट आ गया 27,810, यानी कि शेष माल का लागत मूल्य है 27,810 रुपये। अब शेष माल का लागत मूल्य 27,810 है, अब शेष माल का 2/3 भाग तो बेच दिया गया, यानी कि तो शेष माल ऐसे मान लेंगे कि माना कि कुल माल कितना है 1/3 भाग है वो इसमें से घटा देंगे, तो शेष माल है वो कितना बचा 1/3 भाग, यानी कि शेष माल है वो 1/3 बचा। अब एजेंट के जो खर्चे हैं वो हम शामिल करेंगे, इसमें शामिल करेंगे 27,810 में, तो उस खर्चे का हम कितना निकालेंगे 1/3 भाग, क्योंकि जो शेष माल बचा है वो 1/3 भाग बचा है, इसलिए खर्चे का भी हम 1/3 यानी कि 1/3 भाग ही निकालेंगे। तो अब देखो इसमें एजेंट के जो खर्चे हैं, एजेंट के खर्चे इसमें टोटल हुए थे 450 रुपये, लेकिन इन 450 में जो खर्चे हैं इसमें दो है, इसमें निस्तारण व्यय यानी कि क्लियरिंग चार्जेज है 250 रुपये और 200 रुपये गोदाम किराया। तो मैंने बताया था गोदाम किराया है वो नहीं आएगा, गोडाउन रेंट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज है, इंश्योरेंस चार्जेज है, सेलिंग एक्सपेंसेज है, ये सारे एक्सपेंसेज है माल का विक्रय करने के लिए किए जाते हैं, तो इसलिए इन खर्चों को शामिल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है एजेंट के जो 450 रुपये जो खर्चे हैं उसमें क्लियरिंग चार्जेज है वो कितना है 250 रुपये, 250 रुपये के जो खर्चे हैं केवल हम उसी को शामिल करेंगे, तो 250 रुपये हम इसमें जोड़ देंगे एजेंट के खर्चों को। तो अब कुल माल की जो लागत है वो कितनी हो जाएगी वो देख लो, आपके ये आ गया आपके 28,060, यानी कि जो माल है उसकी लागत हो गई 28,060। अब इसका 2/3 भाग है वो माल बेच दिया गया था और 1/3 भाग बच गया, क्योंकि कुल माल हमने एक माल लिया, एक में से 2/3 भाग बेच दिया, तो शेष माल कितना बचा 1/3, तो 28,060 का 1/3 है वो निकाल लेंगे, तो इसका 1/3 है वो देखो आपके कितना आ रहा है 9,353.33 रुपये। तो हम राउंड फिगर में करते हैं, 0.50 पैसे से कम होता है उसको छोड़ देते हैं, 0.50 से ऊपर होता है उसको हम एक मान लेते हैं, तो 9,353 रुपये आपके अनसोल्ड स्टॉक का जाएगा, 9,353 ये आपके आ गया अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। तो अनसोल्ड स्टॉक हमने ज्ञात कर लिया है, अब हम इसका क्या है लॉस प्रॉफिट है वो ज्ञात कर लेंगे। तो टोटल देखो आपके किस साइड का ज्यादा रहा है, टोटल देखो आपके सीआर साइड का ज्यादा है, सीआर साइड का ज्यादा है तो इसका मतलब है प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे टू पी एंड एल ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे प्रॉफिट, इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो इसका देखो सीआर साइड का टोटल है
वो आ रहा है आपके 47,443 रुपये, ये अमाउंट आ रहा है। अब डी आर साइड का जो टोटल है वो इसमें से घटा देंगे, तो डी आर साइड का टोटल देखो आपके कितना आ रहा है, 3,900, 485 ये आपके और 2,800 रुपये। हम इसमें से घटा देंगे 47,443 में से 34,150 रुपए लेस कर देंगे, यार आपके 13,293। तो 13,293 रुपए का आपके प्रॉफिट आ गया, ये टोटल आ गया आपके 47,443, ये बन गया अपना कंसाइन। अब इसमें एक छोटा सा एक अबनॉर्मल लॉस अकाउंट और बनाना है। अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में जो लॉस वगैरह होता है वो हमारे को दिखाना है। तो अबनॉर्मल लॉस अकाउंट है वो कैसे बनाएंगे, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में हम क्या करेंगे, टोटल जो लॉस हुआ है पहले वो हम दिखा देंगे इसके टी आर साइड में। अबनॉर्मल लॉस होता है उसको हम इसमें किस नाम से दिखाएंगे, कंसाइनमेंट के नाम से, क्योंकि इसमें हम जो कंसाइनमेंट में एबनॉर्मल लॉस को कहाँ दिखाते हैं, सीआर साइड में, और उसकी हम एंट्री है वो हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डीआर टू कंसाइनमेंट अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस होता है उसकी एंट्री करते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डीआर टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो एबनॉर्मल लॉस को हमने डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, कंसाइनमेंट का, और हमारा एबनॉर्मल लॉस है वो कितना हुआ था, 3,900। अच्छा इसमें क्या है, एजेंट को कमीशन दिया जाता है, तो कमीशन वैसे इसमें आता नहीं है, लेकिन इसमें एक दे रखा है कि उसको कुल विक्रय के ऊपर कमीशन दिया जाता है। तो एजेंट के द्वारा जो भी माल बेचा जाता है उन सभी के ऊपर उसको कमीशन दिया जाएगा। एजेंट ने क्या किया है, जो क्षतिग्रस्त माल था जो खराब हो गया था उस माल को उसने सेल किया था उस पर भी उसको कमीशन दिया जाएगा। तो उस पर जो कमीशन दिया जाएगा वो भी एक तरह से लॉस है, तो उसको भी हम इसमें कहां दिखा देंगे, डीआर साइड में। तो उसमें नाम किसका आ जाएगा, एजेंट का आ जाएगा, टू कंसाइनीज, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे कमीशन, क्योंकि ये क्या है, व्यापारी के लिए एक तरह से नुकसान है, और क्षतिग्रस्त माल का जो विक्रय किया था एजेंट के द्वारा वो कितने में किया गया था, 500 रुपए का, और एजेंट को जो कमीशन दिया जाता है 8% दिया जाता है, तो 500 का 8% कितना हो गया, 40 रुपए। ये 40 रुपए कमीशन एजेंट को अलग से और दिया जाएगा। इसको हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं दिखाया था, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस में दिखाएंगे, और टोटल लॉस में से व्यापारी क्या करेगा, इसको लेस कर देगा। तो अब 40 रुपए एजेंट को कमीशन दिया जा रहा है, तो इसके हिसाब से अब टोटल जो लॉस है व्यापारी वो कितना मानेगा, इसका टोटल लगा देंगे इसमें 3,130, यानी कि टोटल लॉस है वो 3,130 रुपए हो गया, 3,090 रुपए तो एबनॉर्मल लॉस था ही, 40 रुपए कमीशन उसको दिया जा रहा है इसलिए 3,130 हो गया। अब इसमें से जितना बीमा कंपनी से प्राप्त हो जाता है उसको सेल करने से प्राप्त हो जाता है वो कम कर देंगे, बाकी जो लॉस बचेगा नेट एबनॉर्मल लॉस जिसको बोलते हैं उसको हम किसमें ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले तो देखो इसमें बीमा कंपनी से पैसा प्राप्त हो रहा है, तो बाई बैंक ब्रैकेट में हम लिख देंगे इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस क्लेम का पैसा, इंश्योरेंस क्लेम, तो बीमा कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम का जो पैसा है वो कितना प्राप्त हुआ है, 2,500 रुपए, ये 2,500 रुपए तो हम ये दिखा देंगे। इसके अलावा एजेंट के द्वारा क्षतिग्रस्त माल का विक्रय किया गया था, क्षतिग्रस्त माल का जो विक्रय किया गया था उससे भी हमारी हानि कम हो जाएगी, उसको भी हम इसमें कहां दिखा देंगे, सीआर साइड में, उसमें नाम किसका आएगा, एजेंट का आएगा, बाय कंसाइनी, लेकिन है क्या इसमें, तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे सेल ऑफ डैमेज्ड गुड्स, सेल ऑफ डैमेज्ड गुड्स, क्षतिग्रस्त माल का विक्रय किया है, और क्षतिग्रस्त माल का विक्रय करने से है वो कितना पैसा प्राप्त हो रहा है, 500 रुपए, ठीक है, ये 500 रुपए ही है दिखा देंगे।
अब देखो हमने इधर जो दिखाया था उसके अनुसार व्यापारी का टोटल लॉस है वो 3130 रुपए था। 3130 रुपए में से 2500 रुपए तो बीमा कंपनी से प्राप्त हो गए, 500 रुपए क्षतिग्रस्त माल का विक्रय करने से प्राप्त हो गए, यानी कि टोटल कितनी राशि प्राप्त हो गई 3000। 3000 रुपए से हमारी हानि कम हो गई, 3000 रुपए से हानि कम हो गई तो शेष हानि है वो कितनी बची 130 रुपए। अब जो शेष हानि बची है 130 रुपए उसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि हमारी शुद्ध हानि है वो अब 130 रुपए ही मानी जाएगी। इस प्रकार से हम दिखा दीजिए 3130 रुपए। देखो हमने ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया उसमें ये एजेंट का कमीशन हमने इसमें एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखाया है। कुछ क्या करते हैं इस कमीशन को हम इसमें नहीं दिखाते क्योंकि ये माना जाता है कि एजेंट को जो कमीशन है इसने जो माल बेचा था 35000 का उसी पर दिया जाएगा, इस पर नहीं दिया जाएगा। लेकिन कई बार क्या एजेंट की डिमांड होती है तो उसमें दे दिया जाता है, तो व्यापारी क्या करता है इसलिए एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में इसको दिखा देता है। लेकिन कुछ अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो हमारा जो लॉस है वो 3090 रुपये माना जाएगा और 40 रुपये का जो कमीशन है इसमें अगर हम नहीं दिखाते हैं तो फिर कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाना पड़ेगा और कंसाइनमेंट में उसको जो हमने कमीशन दिया था 35000 रुपये का उसी टोटल माल जो 35000 रुपये का था 500 रुपये जो बेचा उसके अंदर हमारे को दिखाना पड़ेगा। लेकिन हमने उसमें नहीं दिखाया तो हमने इसमें दिखाया, तो वैसे तरीका यही अच्छा है कि हम इसमें दिखा दें कि 40 रुपये क्षतिग्रस्त माल के विक्रय पर भी अगर उसको कमीशन दिया जा रहा है तो हम इसको डीआर साइड में दिखा देंगे। इसलिए व्यापारी इसको भी लॉस में शामिल कर देता है। इसलिए लॉस को शामिल करने से क्या है इसके टोटल लॉस में से ये जितना पैसा प्राप्त हो रहा है वो हमने लेस कर दिया, तो इस प्रकार से शेष हानि की राशि 130 रुपये वही केवल पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था इसका 8वां इलस्ट्रेशन, क्षतिग्रस्त माल का प्रेषणी द्वारा विक्रय। अगर एजेंट के द्वारा क्षतिग्रस्त माल का विक्रय किया जाता है और उसको कमीशन मिलता है तो हम किस प्रकार से दिखाएंगे, तो ये 8वां इलस्ट्रेशन है, एक बार आप फिर से रिपीट कर लेना।